एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, जिसके सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। फोकस 15 सेंटीमीटर है लेकिन उसके सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, तो दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति बताना है। स्थिति भी बताना है और प्रकृति बहुत इंपॉर्टेंट है यार, और ये आपको जानना ही चाहिए और पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट है इसलिए हम बना रहे हैं। देखिए एक अवतल दर्पण है, ये भी मान लेते हैं अवतल दर्पण, तो ये तो इसका मुख्य अक्ष है, तो क्या कहा यहां पर एफ है जिसकी दूरी कितनी है तो 15 सेंटीमीटर है, लेकिन इसके ठीक सामने 5 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है, तो एफ बराबर कितना है 15 सेंटीमीटर। देखिएगा लेकिन यह अवतल है, अवतल दर्पण है तो क्या होगा, इधर है तो इसलिए माइनस वाई, और U का वैल्यू अर्थात वस्तु की दूरी 5 सेंटीमीटर है, वस्तु की दूरी किसी दोनों दर्पण में क्या होता है माइनस में ही होता है, तो माइनस 5 सेंटीमीटर। बस निकालना क्या है तो भी बराबर अर्थात प्रतिबिंब की दूरी जो बनेगा, प्रतिबिंब यहां रखने के बाद जो प्रतिबिंब बना उसकी दूरी निकालना है, तो प्रतिबिंब दूरी, और इसकी बताना, इसका बताना भी है कि इसकी नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, ध्यान दीजिए। तो हम लोग दर्पण सूत्र से जानते हैं, दर्पण सूत्र से बहुत आसान है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। दर्पण सूत्र से 1/v + 1/u = 1/f निकालना क्या है भाई, निकालना तो भी ही है हमें, तो 1/v इधर लेकर चलते हैं, 1/v = 1/f - 1/u क्योंकि माइनस में आ गया, या 1/v = 1/f, f का वैल्यू -15 है तो 1/-15 माइनस तो है ही, क्या हो जाएगा 1/-5, अभी माइनस माइनस वाई क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 1/v = -1/15 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/5, 1/v = क्या हो जाएगा 15, और 5 का एलसीएम लेंगे तो भाई 15 आ जाएगा, एलसीएम तो आपको आता ही होगा भाई, 5 से देंगे 5 × 5 = 15 ही होएगा एलसीएम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 से 15 में भाग देते हैं, यही तो निकालने का तरीका है, तो -1/15 + 3 क्या हो जाएगा 1/v = 3 में से 1 गया 2/15 उलट जाएगा, जैसे भी का इधर गुना करेंगे तो उलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 15/2 = 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर ही होगा। जब 7.5 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू आ गई तो हमें भी का वैल्यू तो पता चल गया, अर्थात प्रतिबिंब की दूरी क्या है, तो प्रतिबिंब दूरी हो गई, प्रतिबिंब दूरी 7.5 सेंटीमीटर, लेकिन प्रकृति क्या हो गया, तो धनात्मक चिन्ह यह दिखाता है कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, ध्यान रखिएगा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, क्योंकि इधर बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा, क्लियर है, जब दर्पण के पीछे बन रहा है 7.5, जब दर्पण के पीछे बन रहा है तो प्रकृति क्या हो जाएगा इसका, तो सीधा ही होगा, तो प्रकृति में लिख देंगे, प्रकृति क्या हो जाएगी तो सीधा अभाषी, और एक बात दर्पण से दर्पण के पीछे किसकी प्रकृति हो गई है, तो ये हो गई प्रतिबिंब की।